स्टूडेंट, हम लोग कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को कर रहे थे, उसी में आगे करते हैं। एक नया क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन एफ एक्स। गिवेन है एक्स मॉड के अंदर है एक्स प्लस वन प्लस मॉड के अंदर है एक्स माइनस वन, एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। दो जगह पे आपको चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू वन पे और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे। ओके, चेक करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस फंक्शन को चेंज करना है। देखो मॉड कैसे बिहेव करता है, आपको पता है कि मॉड का काम क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लाना। अगर आपको मॉड की डिफिनीशन याद है तो मॉड की डिफिनीशन आपने पढ़ रखी है पहले से। मॉड की डिफिनीशन क्या होगी, आपने पढ़ रखा है कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू होती है एक्स कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन जीरो। अगर इसी बात को इस तरीके से समझो तो आप बोल सकते हो कि सर, आप बोल सकते हो कि जैसे ये मॉड एक्स है तो जीरो पे ब्रेक हो रहा, जहाँ पे मॉड जीरो होता है वहीं पे ब्रेक होता है, ये जीरो है। तो आप कह सकते हो जीरो से इधर जाएंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू पे, जैसे वन टू थ्री फोर पॉजिटिव वैल्यू, मॉड के अंदर पॉजिटिव आए तो वही लिख दो, मॉड के अंदर निगेटिव आए तो उसमें माइनस लगा के लिख दो। तो यानी मॉड एक्स इस तरीके से बिहेव करेगा। एक और बताते हैं आपको तो आपको समझ, जैसे एक्स माइनस वन, ठीक, तो इसको अगर ब्रेक करना है तो ये जीरो कहाँ हो रहा, मॉड के अंदर जीरो कब बनेगा, वन पे बनेगा। तो आप नंबर लाइन बनाओ, वहाँ पे वन लो, टू लो, जीरो लो, थ्री लो एंड माइनस वन। तो कब जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा। तो इससे आप राइट साइड की बात करते हैं, टू थ्री कोई एक वैल्यू रखो, आप टू रखते हो तो टू माइनस वन क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर आंसर पॉजिटिव है तो मतलब जो है वही लिख दो, तो मॉड के अंदर एक्स माइनस वन है वही लिख दे रहे हैं। अब देखो इधर की कोई एक वैल्यू चेक करो, जैसे जीरो रखो तो जीरो माइनस वन आंसर क्या आएगा, माइनस वन। मॉड के अंदर निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव आते ही उसमें माइनस लगा के लिख दो, जो भी अंदर लिखा है उसमें माइनस लगा के लिख दो। ये टेक्निक होती है, ठीक। आपको नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहें कि टू माइनस एक्स मॉड के अंदर लिखा हुआ, अब ये जीरो कब होगा बताइए, ये जीरो होगा टू पे, देखो टू रख दोगे तो जीरो हो जाएगा। फिर से नंबर लाइन बनाओ, यहाँ पे है टू थ्री फोर वन जीरो माइनस वन, टू पे खड़े हो वैल्यू रखो, मान लो थ्री रखते हो, थ्री रखते हो तो टू माइनस थ्री क्या आएगा, माइनस वन। अंदर निगेटिव आ रहा ना, मतलब इधर जाने पे माइनस आ रहा, तो माइनस में मॉड क्या बोलता है कि माइनस आए तो इसमें माइनस लगा के लिख दो, तो ये आ जाएगा माइनस टू माइनस एक्स। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मॉड के अंदर वैल्यू अवेलेबल पॉजिटिव आती है। अब इधर का कोई भी एक आंसर लिखो, वन लिखोगे तो टू माइनस वन क्या आएगा, पॉजिटिव वन आएगा। तो जब पॉजिटिव आए तो जो है वही लिख दो, ठीक। तो इस तरीके से मॉड ब्रेक होता है। जब भी आप कंटिन्यूटी करोगे, डिफरेंशिएबिलिटी करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो ये आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका ये, तो देखो ये वाला मॉड, ये जीरो कब होगा, माइनस वन पे, तो माइनस वन पे खड़े हो जाओ। माइनस टू, देखो माइनस टू पे इसका आंसर क्या आएगा, माइनस टू प्लस वन आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो देखो इधर निगेटिव आ रहा था तो माइनस लगा के लिख दिया। इधर की कोई एक वैल्यू चेक कर लो, जीरो वन टू, तो जीरो पे चेक करो तो वन आएगा, पॉजिटिव आ रहा, तो जो है अंदर वही लिख दिया, ठीक। अब इस वाले मॉड को भी ब्रेक करते हैं इस उसी नंबर लाइन में, ठीक है। अब ये जीरो कब होगा, वन पे होगा, तो वन पे होगा। अब वन से लेस देन वैल्यू रखोगे तो जैसे जीरो रखा तो जीरो माइनस वन, अंदर माइनस वन आया मतलब निगेटिव आया, तो माइनस लगा के लिख दिया। अब यहाँ टू थ्री फोर लिखोगे तो टू माइनस वन, वन पॉजिटिव आया, तो जो है उसमें वही रहने दिया। अब देखिए इन दोनों को आपको फर्स्ट थिंग्स ये याद रखनी है, इतना करने के बाद देखो इस नंबर लाइन पे कितने जीरोज आए, दो जीरोज आए, जितने मॉड होते हैं उतने जीरोज आते हैं, वन एंड टू। अब मॉड के अंदर भी अगर ये क्वाड्रेटिक होगा तो टू जीरोज यहाँ से और एक जीरो यहाँ से, थ्री जीरो हो जाएंगे। बट अभी क्योंकि लीनियर है तो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, तो नंबर लाइन में कितने जीरो आए, टू जीरो आए। याद रखना जीरो जीरो आते हैं जितने भी, उससे ज़्यादा एक वन, वन मोर होता है उसके केस। तो मान लो यहाँ पे टू जीरो, कितने केस बनेंगे, तीन, वन टू थ्री, मतलब एक लेफ्ट का, एक बीच का और एक राइट का। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करते हैं, मतलब जब एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस वन हो। मान लो तीन जीरोज होते तो कितने केस बनते, चार केस बनते, ओके। अभी दो जीरोज हैं तो तीन केस बनेंगे। तो पहला केस ले लो माइनस वन से लेस देन, तो जब एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस वन हो, लेस देन माइनस वन हो मतलब इधर का पार्ट, इधर का पार्ट में देखो ये वाला मॉड, इसको ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाली होगी लेस देन यहाँ पे, तो ये लिख दिया। अब देखो इस वाली वैल्यू भी, तो ये यहाँ आएगा तो ये पूरा इसके बाद पूरा निगेटिव हो रहा, तो माइनस कर, तो जो है वही लिख दो।
आप देखो माइनस वन और वन के बीच में, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होगी, तब क्या होगा? तब देखो ये वाला जो फंक्शन है ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये वाला क्या होगा? निगेटिव होगा। तो देखो एक पॉजिटिव रहने दिया, ये वाला पॉजिटिव रहने दिया, और ये वाला निगेटिव हो गया। अब सिमिलरली वन से ग्रेटर देन की बात करें, वन से ग्रेटर देन की बात करेंगे तो देखो ये तो यहीं से पॉजिटिव है तो आगे पॉजिटिव होता चला जाएगा, और ये वन से आगे के लिए पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव है तो जो है वही लिख दें, तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। आप इसको तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, वन से ग्रेटर देन तो वन से ग्रेटर देन, वन एक्स वन से लेस देन माइनस वन से तो माइनस वन से लेस देन, मिडिल का तो मिडिल का, तीनों निकाल लिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करना वेरी सिंपल है, इसमें तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक, इस तरीके से आप करोगे तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। देखिए ये माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा, वन वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स है और एक माइनस एक्स को कैंसिल हो जाएगा, वन और यहाँ पे प्लस वन टू हो जाएगा, एक्स और एक्स टू एक्स वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक्चुअली में क्वेश्चन जो था आपका, एक बड़ा सा क्वेश्चन आपका ये था, तो क्वेश्चन आपका ये नहीं था एक्चुअली में, क्वेश्चन तो ये था, आपने इसको सिंपलेस्ट वे में चेक कर लिया। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आप निकाल सकते हो, जैसे माइनस वन पे चेक करो तो माइनस वन का लेफ्ट हैंड लिमिट ये काम करेगा, राइट हैंड लिमिट ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि यही वाला फंक्शन जो ऊपर था वो चेंज होकर ऐसा बन गया है। अगर आप यहीं पे समझना चाहो तो वो क्वेश्चन ऐसे बन गया है, यहाँ पे माइनस वन यहाँ पे वन, तो आप कह सकते हो कि माइनस वन से लेस देन पे इसका बिहेवियर हो गया माइनस टू एक्स जैसा, इस साइड में बीच में हो गया है टू, और इधर की बात करें तो क्या हो गया है? टू एक्स। ठीक, तो ये इसका टोटल चांस हो गया। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में ये वाला काम, राइट हैंड लिमिट में ये वाला काम, वन के लेफ्ट हैंड लिमिट में टू और राइट हैंड लिमिट में टू एक्स। आपका क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आपका सलूशन अपने यहाँ पास आएगा। ओके, चेक करते हैं, माइनस वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो माइनस वन, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट माइनस वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन पे राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, चेंज करते हैं इसको। ठीक, तो इस तरीके से काम करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट माइनस टू माइनस वन माइनस एच। ठीक, क्यों? क्योंकि टू माइनस टू एक्स आ रहा था, माइनस टू एक्स, तो माइनस टू एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट यही आ रही थी, एंड राइट हैंड लिमिट की बात करें तो टू एक्स आ रहा था, तो टू एंड एक्स की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी। ओके, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्ट ये हो जाएगा एफ माइनस टू हो जाएगा। तो अब देख लीजिए आप यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, एक्चुअली में टू उसकी वैल्यू रख दोगे आप तो डायरेक्ट दिख रहा था कॉन्स्टेंट फंक्शन बन जा रहा था, माइनस टू प्लस एच पे कॉन्स्टेंट फंक्शन बन जा रहा था टू, तो वही है वहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे चीज़ें। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, एक्चुअली में यहाँ पे देखो तो ये माइनस वन है, ये वन है, तो आप देखिए यहाँ पे माइनस टू एक्स बन रहा था, इस पूरी रो पे टू आ रहा था आंसर, इसीलिए पूरा पे टू हो गया और इसके इधर पे टू एक्स हो जा रहा है। ओके, ठीक, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद तो वही वाला लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों सेम आ रहा ना, दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इस तरीके से कह सकते हो एफ इज कॉन्टिन्यूस माइनस वन। सिमिलरली आप यहाँ पे निकाल लो वन पे, वन पे फिर से वही पुरानी कहानी, लेफ्ट हैंड लिमिट में तो टू ही आएगा, देखो इसकी वैल्यू डायरेक्ट टू लिख दिया, क्यों? क्योंकि वन माइनस एच पे आंसर जैसे है यहाँ पे वन हो तो वन माइनस एच पे आंसर टू आ रहा। देखोगे उसको सिंप्लीफाई करके राइट हैंड लिमिट में टू एक्स काम करेगा, तो ये देखो तो टू एक्स, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन टू आई है, सॉल्व कर लो, एच की वैल्यू जीरो लिखोगे टू ही आएगा, तो टू 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 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इससे पता चल रहा है कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन, ये बात हो जाएगी। आप तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन जब भी आए तो आप उसको इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका काम बन जाएगा। ओके, चलिए एक बात क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, जैसे ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच दिस। ठीक, ये लेफ्ट पाई बाई टू से लेफ्ट हैंड लिमिट पे ये काम करेगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन पी होगी और ग्रेटर देन लिमिट पे ये काम करेगा, कॉन्टिन्यूस बोल रखा है, करते हैं क्वेश्चन। अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई बाई टू माइनस एच लिख दें, तो ये देखो
इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई बाई टू माइनस एच, पाई बाई टू माइनस एच रख दीजिए, ये क्वेश्चन हुआ। अब साइन पाई बाई टू माइनस एच क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है, और कॉस पाई बाई टू माइनस एच क्या होता है, साइन होता है, तो देखो ये चेंज हो गया। अब आप जानते हो वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस, वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 3 तो आंसर आ गया। राइट हैंड लिमिट करेंगे तो पाई बाई टू प्लस एच, तो राइट हैंड लिमिट की अगर बात करते हैं हम लोग तो पाई बाई टू प्लस एच ये वाला आएगा तो इसका काम करेगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे एक्स की जगह पे पाई बाई टू प्लस एच की जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे, देखिए यही कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट है, इसको सॉल्व कर लिया तो अब साइन की जगह आ गया पाई बाई टू प्लस एच, यहाँ पे एक्स था तो पाई बाई टू प्लस एच का होल स्क्वायर हो। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका पूरा काम बन जाएगा, ये देखिए ध्यान से दीजिएगा तो आ जाएगा, साइन पाई बाई टू प्लस एच कॉस होता है, और ये देखो यहाँ पे इसको टू मल्टी, ये होल में पाई वन बाई टू है तो टू इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पाई आएगा, तो पाई माइनस पाई कैंसिल, ये टू यहाँ जाएगा तो माइनस टू एच आएगा, तो आप कह सकते हो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक, तो स्क्वायर कर देंगे तो फोर आ जाएगा। यहाँ पे समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा, पहले तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, ये कॉस हो जाएगा तो ये कॉस लिख दिया, इसको कैंसिल करोगे तो टू एच आएगा तो ये माइनस टू एच होगा। अब आप देखिएगा इसको वन माइनस कॉस एक्स को आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, आपको बताया कॉस टू थीटा वाला फार्मूला, ये देखो ये लिख देंगे कॉस टू थीटा, एच है तो एच बाई टू हो जाएगा, वन वन कैंसिल हो जाएगा, ये टू है, और ये एच टू स्क्वायर का फोर हुआ और एच स्क्वायर को ऐसे रहने दिया, टू टू कैंसिल, ये टू बाहर ले आओ तो टू क्यू अपॉन फोर हो गया। अब ये देखो क्या हो गया, साइन स्क्वायर एच बाई टू एच स्क्वायर, साइन स्क्वायर एच बाई टू एच स्क्वायर, तो साइन ए एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए होता है, तो यहाँ पे एच बाई टू है, एच बाई टू है, तो आप ये देखो ये फार्मूला होता है, आपको पता है, आपको पता है कि साइन ए एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे आंसर ए आता है, ठीक। तो यहाँ पे एच का कोफिशेंट क्या है, वन बाई टू है, देखो एच का कोफिशेंट क्या है, वन बाई टू है, तो वन बाई टू स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया, तो वन बाई टू, तो ये वन बाई फोर हो जाएगा, टू तो वन बाई एट, तो क्यू बाई एट आ जाएगा आपका, यहाँ तक का काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे का काम करते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन पी है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो, अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर लेफ्ट हैंड लिमिट आपने अभी भी देखा, वो जो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ पे कितना आया था, ये थ्री आया है, देख सकते हो आप, ये वैल्यू आपकी थ्री आई है लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट आपका क्यू बाई एट आया है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गया आपका पी। इन तीनों को सॉल्व कर लोगे आप, जैसे सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को तो इधर ले जाओगे 24 और पी की इज इक्वल टू 3, तो पी इज इक्वल टू 3, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन है, जैसे आपसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड एज दिस इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस है, ये देख लीजिए कॉन्टिन्यूस है, मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये काम कर जाएगा जीरो माइनस एच में, वैल्यू ऑफ द फंक्शन में भी यही काम करेगा, देखो इक्वल टू में भी यही, तो जीरो रखो, जीरो रखोगे तो पाई बाई टू साइन की पावर पाई बाई टू क्या आता है, साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है तो ए आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन ए आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में ये आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन जीरो का काम, तो देखिए सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो माइनस एच, तो माइनस एच रख दो इस वाले क्वेश्चन में, जहाँ एक्स वहाँ वहाँ माइनस एच लिख दो हो जाएगा माइनस एच। अब देखिए यहाँ पे पाई बाई टू का यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही लिखा है, तो पाई बाई टू माइनस थीटा, इसको थीटा समझो, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है, ए बाहर है तो बाहर ही रहने दिया। अब इस वाली बात को आप देख लो, तो अब एच की वैल्यू जीरो लिखोगे तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन, तो ये पूरा वन हो जाएगा ए, तो ए इंटू वन ए आ गया, यानी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट वन आ गया। राइट हैंड लिमिट और इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा राइट हैंड लिमिट जीरो प्लस एच, तो एच हुआ, तो राइट हैंड लिमिट में एच लिख दो, साइन एच माइनस सॉरी टेन एच माइनस साइन एच अपॉन एच क्यू। अब देखो टेन को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर दो, अब एलसीएम ले लो, साइन एच कॉमन आ जाएगा, साइन एच और ये एच क्यूब, ये वाला एच क्यूब यहाँ बाहर ले लिया, बचा क्या, वन माइनस कॉस एच, इसको सॉल्व कर लो तो आपका साइन एच यहाँ पे साइन एच कॉस एच कॉस एच आएगा, तो साइन साइन कॉमन आ गया तो वन माइनस कॉस एच हो जाएगा। अब वन माइनस कॉस एच आए तो कॉस टू थीटा वाला फार्मूला अभी अभी हमने करा है, फिर से करो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एच वाई टू, ये वन से वन कैंसिल, ये माइनस का प्लस हुआ, टू बचा, इस टू को आप बाहर लेते जाओ, ये देखो ये टू लिख दिया हमने,
ये ऐसे ही रहा, एच क्यूब जैसे था वैसे रहा, साइन एच ऐसे ही है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एच बाई टू, तो ये साइन स्क्वायर एच बाई टू। तो देखो साइन एच साइन स्क्वायर, तो एक एच इसको दे दो, टू एच इसको दे दो, सॉल्व करते हैं हम लोग, आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देख सकते हो इसको। ठीक, अब देखिए लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, आपका आंसर आ गया। ये देखिए, तो एक हो जाएगा टू के साथ साइन एच बाई एच, और एक हो जाएगा साइन स्क्वायर एच बाई टू एच स्क्वायर। तो देखो एच का कोफिशियंट क्या है, वन बाई टू, उसका स्क्वायर है तो वन बाई टू का होल स्क्वायर हो गया, ये टू है वन बाई टू, तो वन बाई फोर, एक टू कैंसिल हुआ तो वन बाई टू आंसर आ गया, वन बाई टू। तो आपका राइट हैंड लिमिट वन बाई टू, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट ए, राइट हैंड लिमिट वन बाई टू, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी ए हमने आपको बताया था, तो ए की वैल्यू आ गई वन बाई टू। इस तरीके से ये भी आपका सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू।